सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा भाक्यू वर्मा द्वारा किसान बचाओ रैली आयोजित। आपको बता दें, आज पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय संयोजक भारतीय किसान यूनियन वर्मा भगत सिंह वर्मा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वर्मा डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में किसान बचाओ रैली आयोजित की गई। यह रैली दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पहुंची, जहां पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन कमिश्नर को भी सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन का। आज यहां किसान बचाओ रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर से मंडल सहारनपुर से शुरू करा है। हम लोगों ने गठन किया है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में गठन कर दिया है और बिगुल जो बजा है यहाँ से किसानों की समस्याओं के लिए। हमारी पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का गठन तो किया जाए। इसके साथ में हमारी मुख्य मांग है राष्ट्रवाद का गान गाने वाली भाजपा और संघ जो है आपका, ये कहते हैं हम राष्ट्रपक्ष है। मैं ये सवाल है कि ये पूछना चाहता हूँ कि देश का कौन एक बंदा कोई बता दे जिसने देश की कुर्बानी में कोई योगदान दिया है। देश की सीमा पर भी कोई किसान लड़ रहा है, जो जवान है जय किसान का जो नारा है, वो जो किसान का बेटा लड़ रहा है, तो ये लोग जो देश आज़ादी के समय पर जो जंग लड़ी जा रही थी, जो मर थे तो वो जंग में थे, लड़ रहे थे, और जो ना मर रहे थे वो संगमर रहकर लड़ रहे हैं। और आज जो सरकार है ये उन ना मर्दों की सरकार है जो किसान हित में नहीं है, मजदूर हित में नहीं है, व्यापारी हित में नहीं है, किसी भी की वर्ग के हित में नहीं है। प्रदेश का मुखिया यदि अपने प्रतिनिधियों पर शक कर रहा हो, वो उन्हें दलाल बता रहा हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का क्या होगा। हमारी मुख्य मतलब है कि इस मंच के माध्यम से है कि इस प्रशासन तंत्र को, व्यवस्था को बचा ले सरकार, वरना जो है ईंट से ईंट किसान बजा देगा इसका आपका, जो है इस सरकार को जो है उखाड़ने का काम करने का काम करेगा। इसके अलावा महंगाई चरम सीमा पर। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की ये किसान बचाओ रैली है, जहां पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। वहीं पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन वर्मा हम लोगों की है। भारतीय किसान यूनियन वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करती है कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल किया जाए और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर पिछले वर्षों का भी गन्ना भुगतान बका है, उसे तत्काल किसानों को दिलाने का काम करें। उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर पिछले वर्षों में जो देरी से किया गया है भुगतान चीनी मिलों द्वारा, उस पर 12,000 करोड़ रुपए ब्याज बका है। हम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि उस ब्याज को तत्काल किसानों को दिलाने का काम करें और गन्ने पर लागत मूल्य भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा चाहती है कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए और जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होगी तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का यह संघर्ष जारी रहेगा। हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। अग्निपथ योजना नौजवान विरोधी है, देश विरोधी है। अग्निपथ योजना को तत्काल रद्द किया जाए और बिजली विभाग अपने अंदर सुधार करे। जिन लोगों के पास, आम उपभोक्ताओं के पास बिजली के कनेक्शन है, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।